असल में दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। हमारे पास यहाँ पे स्टीम डेक ओलेड है, जो कि मैंने परचेज़ की है noon.com से। और अगर आप लोग इसको बाय करते हैं और हमारे चैनल का कोड इस्तेमाल करते हैं OFT, तो आप लोगों को कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों, ये वाला वेरियंट जो है 512 GB है, और इसकी मैं जो है अनबॉक्सिंग करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, इसमें गेम्स भी खेल के दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं, बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे जो है स्टीम डेक है, और जो कि एक बैग में मिल जाता है, एक चार्जर एडाप्टर इन्होंने हमें दिया हुआ साथ में, जो कि 45 वॉट्स का आई बिलीव और फास्ट चार्जर है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी बनाई है ओलेड वेरिएंट में जो है केबल की। तो टाइप सी आप देख सकते हैं पोर्ट, और यहाँ पे हमें जो है क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है। तो अभी जो है मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से साइड से, और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं पुल टैब इन्होंने दिया हुआ है, और एक बहुत अच्छे कैरिंग केस में दोस्तों ये हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे एक लॉक है, इसको जो है मैं काट दूंगा सीजर से, तो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग था ये वाला लॉक निकालना, तो इसको इजीली हम जो है काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से ओपन करते हैं। काफ़ी अच्छा इसका कैरिंग केस है और ओलेड डिस्प्ले है, जिस तरह क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ग्लॉसी इसकी डिस्प्ले है, क्योंकि 512 GB में दोस्तों आप लोगों को एच ग्लास वाला वर्जन नहीं देखने को मिलता, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले 1 TB वाले वर्जन में आप लोगों को देखने का मिल जाएगा, जो कि 512 GB में नहीं है। तो 512 GB मुझे पर्सनली ज़्यादा ग्लॉसी स्क्रीन पसंद है कंपेयर टू एंटी ग्लेयर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर लाजमी लगाएं इसकी 7.4 इंचज़ की डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वाला जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, और इसको जो है अभी हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम जो है इसको यहाँ पे वेट वाइप्स हमें दिए हुए इन्होंने साथ में, और दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है एक दिया हुआ। काफ़ी आसान है इसको इंस्टॉल करना, तो मैं यहाँ से इसको जो है पहले तो वाइप से साफ़ कर देता हूँ स्क्रीन को, फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से लेंगे और देखेंगे कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं रह गया। तो ये दोस्तों कैमरे के पीछे ही मैं मतलब करूँगा अभी वीडियो पॉज करके, मैं नहीं चाहता कि सही तरह इंस्टॉल ना हो। तो दोस्तों, मैंने लगा ली और आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि लगा ही नहीं हुआ स्क्रीन प्रोटेक्टर। काफ़ी अच्छा जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये। तो दोस्तों, बटन लेआउट की अगर मैं बात करूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके जो है इन्होंने ट्रिगर्स भी काफ़ी अच्छे बनाए हैं कंपैरिजन अगर हम निंटेंडो स्विच से करें। और बॉटम पे आप देख सकते हैं हमारे पास एसडी कार्ड की जगह भी बनाई हुई है, बैक साइड पे इन्होंने वेंट्स हमें दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल इसके जो है काफ़ी कम्फर्टेबल इन्होंने ये जो बनाया है, पकड़ने में काफ़ी अच्छी इसकी फीलिंग है। और बैक साइड से भी आप मटेरियल देख सकते हैं ब्लैक कलर में, टॉप पे जो बटन है वो ऑरेंज कलर में है। तो दोस्तों, पहली गेम जो हम इसमें टेस्ट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे GTA 5 है, और आप देख सकते हैं दोस्तों हाई सेटिंग्स पे ये जो है चल रही है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी सेटिंग्स में भी दिखा दूंगा जाके कि कौन सी सेटिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम रेट का इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है ऊपर, या आप इसको ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, और 60 FPS पे दोस्तों इसको मैंने लॉक किया हुआ है, और कितनी स्मूथ ये चल रही है दोस्तों GTA 5। अगर आप लोग मुझे कहें कि कुछ साल पहले के GTA 5 आप हैंड हेल्ड में खेल सकते हैं, तो मैं नहीं मान सकता था दोस्तों, लेकिन अब ये जो है आप इजीली हैंड हेल्ड में इसको खेल सकते हैं बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के, और काफ़ी अच्छी इसकी जो है परफॉर्मेंस है। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं वेरी हाई सेटिंग्स हैं, कुछ नॉर्मल की नहीं है मैंने, और इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है GTA 5 की स्टीम डेक ओलेड में। और मुझे याद है कि अगर आप लोग महंगे से महंगा लैपटॉप भी ख़रीद लें पहले, तो उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हमें देखने को मिलती थी। तो अगर हम सेकेंड जनरेशन i7 की बात करें, उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस हमें मतलब फ्रेम रेट ड्रॉप्स होते थे काफ़ी ज़्यादा। इसमें आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। डिस्प्ले दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 720p डिस्प्ले है, और जो कि ओलेड डिस्प्ले मैंने आपको बताया था, बेजल्स इसके काफ़ी ज़्यादा थिन है कंपैरिजन अगर हम ओरिजिनल LCD स्टीम डेक से करें, तो इसके बेजल इन्होंने काफ़ी थिन कर दिए हैं। और ओलेड डिस्प्ले मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो लोग लैपटॉप नहीं खरीदना चाहते गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये भी दोस्तों इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं आप लोगों को एक फैसिलिटी ये मिल जाती है कि आप लोग इसमें गेम्स खेल सकते हैं। तो दूसरी गेम दोस्तों यहाँ पे हमारे पास गॉड ऑफ वॉर है, जो कि एक मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं, काफ़ी हैवी गेम है ये चलाने में। तो ये भी इसमें चल रही है, इसमें जो है FPS मैंने लॉक किए हैं 40 FPS पे, और ये आप अनफॉर्चुनेटली 60 FPS में नहीं खेल सकते, लेकिन 40 FPS भी दोस्तों PlayStation 4 से ज़्यादा इसमें आप लोगों को जो है FPS देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसी क्वालिटी मतलब ऐसे ग्राफिक्स अनबिलीवेबल है कि दोस्तों आपको ऐसे हैंड हेल्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इससे आप लोग जो है यहाँ पे जाके लॉक कर सकते हैं फ्रेम रेट। 90 हर्ट्स इसकी दोस्तों रिफ्रेश रेट है स्क्रीन की, और
काफ़ी मतलब इन्होंने ये जो है अच्छे इसके ग्राफिक्स बनाए हैं गॉड ऑफ वॉर के भी। तो अभी मैं आप लोगों को डिस्प्ले में जाके ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ। ओरिजिनल सेटिंग इस्तेमाल की है, कुछ में लो जो है शेडोज़ हमने लो पे रखे हुए हैं ताकि FPS ज़्यादा ड्रॉप ना करें। पर दोस्तों यकीन माने इस हैंडहेल्ड में भी इस स्क्रीन पे आप लोगों को लो ग्राफिक्स अगर आप सेटिंग्स भी करते हैं आप लोगों को फिर भी ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएंगे। और जो कि 3-3 हज़ार लैपटॉप कुछ इस तरह के आते हैं जिसमें आप लोग ये खेल भी नहीं सकते और बूट भी नहीं कर सकते गेम्स, लेकिन स्टीम डेक में दोस्तों ये गेम चल रही है और काफ़ी अच्छी चल रही है। कुछ जगह पे फ्रेम रेट ड्रॉप होते हैं पर बहुत माइनर से हैं फ्रेम रेट ड्रॉप, लेकिन आप इसको कम्प्लीटली जो है इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं इसमें स्टीम डेक में, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं तो हैरान हूँ दोस्तों देख के। हम अपने इस चैनल पे और भी जो है गेम्स का रिव्यू लेके आएंगे कैसी परफॉर्मेंस है बाकी गेम्स की, नई नई गेम्स जो भी हैं। तो फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मज़ा आ रहा है खेलने में और ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत अच्छी है। AMOLED जो इन्होंने OLED डिस्प्ले दोस्तों इस्तेमाल की है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने डिस्प्ले इस्तेमाल की है। मुझे पर्सनली मैं कहूँ तो OLED मेरे हिसाब से बेस्ट डिस्प्ले है गेमिंग हैंडहेल्ड्स के लिए। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास Witcher 3 है जो कि नेक्स्ट जेन अपग्रेड था। ये भी दोस्तों मैंने 40 FPS पे लॉक की हुई है और इसमें लो सेटिंग्स भी इस्तेमाल की हुई हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लॉक्ड आपको मिल जाएंगे FPS 40 FPS और कम्प्लीटली प्लेएबल है, आप लोग खेल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, ग्राफिक्स आप लोग देख सकते हैं किस तरह के। अगर आप लोगों ने Witcher 3 नहीं खेली और बाकी सारी गेम्स नहीं खेली पुरानी वाली भी, तो स्टीम डेक OLED आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। अगर आप लोग 2024 में भी ख़रीदते हैं तो आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर किसी के पास गेमिंग PC भी नहीं था और किसी के पास कंसोल भी नहीं है और लेकिन वो हैंड हेल्ड गेमिंग में आना चाहते हैं तो स्टीम डेक OLED मेरे हिसाब से दोस्तों बेस्ट है। और अगर आप लोगों को सस्ता वर्जन इसका ख़रीदना है तो आप लोग LCD मॉडल जो है वो सेकेंड हैंड ख़रीद सकते हैं, सेकेंड हैंड आपको काफ़ी सस्ते वो देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें 64 GB वर्जन भी अवेलेबल है और वो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लो सेटिंग्स हैं, कुछ एक सिर्फ हाई सेटिंग मैंने की है, दो तीन हाई सेटिंग्स की हैं बाकी लो पे है, और 40 FPS पे लॉक करके आप इसको आराम से दोस्तों खेल सकते हैं, कोई भी आप लोगों को इशू नहीं होगा परफॉर्मेंस में। तो बेस्ट परफॉर्मेंस है इसकी Witcher 3 की भी। जबकि Nintendo Switch में दोस्तों अगर आप Witcher 3 खेलें तो बहुत ही ब्लरी ग्राफिक्स आते थे और बहुत टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा जो हैं अजीब से आते थे, यानी लो क्वालिटी के टेक्सचर्स उसमें देखने को मिल जाते थे। 30 FPS पे भी ड्रॉप करती थी वो गेम, 25 FPS हो जाते थे, जबकि यहाँ पे हमें 40 FPS देखने को मिल रहे हैं और सेटिंग्स भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो Nintendo Switch के साथ भी दोस्तों मैं इसका जो है कंपैरिजन लेके आऊँगा अगली वीडियो में, तो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा बहुत अच्छी इसकी फीलिंग है, ट्रिगर्स इसके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बनाए अच्छे बनाए हैं। मैंने यहाँ पे 512 GB का SD कार्ड भी लगाया हुआ है और इसकी इंटरनल स्टोरेज 512 GB है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब अच्छी फीलिंग है। एनालॉग की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस पर मैंने यहाँ पे कवर भी लगाया हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए एनालॉग स्टिक्स को, और आप देख सकते हैं कैसी मतलब लग रही है ये। आप इसका जो है ट्रैक पैड भी इन्होंने हमें दिए हैं, मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर बाद इसका UI यूज़र इंटरफेस भी दिखाऊंगा किस तरह का SteamOS इसमें लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, और आप लोग विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मुझे लिनक्स इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़र इंटरफेस अच्छा लगा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कंसोल वाला लुक दे रहा है, ईजिली आप लोग मतलब इसमें खेल सकते हैं गेम्स पर जाके अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं। हाई फाई रश भी इसमें काफ़ी अच्छी है, इसकी भी इसका भी जो है गेम प्ले का मैं आप लोगों को रिव्यू लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से हम जो है डेस्कटॉप मोड में स्विच कर सकते हैं अगर आप इसको लैपटॉप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर हमें ट्रैक पैड्स इन्होंने दिए हुए हैं दो जो कि एनालॉग स्टिक के नीचे हैं, तो ये आप देख सकते हैं टच पैड्स दिए हुए हैं, तो इससे आप लोग ईजिली नेविगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को फायरफॉक्स ओपन करते हैं, तो आप लोग YouTube कुछ भी दोस्तों जो आप अपने लैपटॉप में कर सकते हैं वो इसमें आप लोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा इसके लिए एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं, तो और टच स्क्रीन जिस तरह की इसकी टच स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने बनाई है। और दोस्तों आप क्वालिटी देखें OLED डिस्प्ले की कितनी ज़्यादा अच्छी है इसकी, और मज़े की बात है ये लाइनस टेक टिप्स में भी यही वाली वीडियो आ रही है स्टीम डेक की। तो 1X प्लेयर की और स्टीम डेक जो भी है यार, आप इसका देख सकते हैं टच स्क्रीन कितना ज़्यादा अच्छा है। और मैं भी यहाँ पे दूसरी वीडियो सर्च करता हूँ, तो
ये 4K में है, इसको आप डिफरेंट रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भी मैं फ़िलहाल 1440p में ही रहने देता हूँ इसको। और दोस्तों आप लोग कलर्स इसके देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, यानी OLED डिस्प्ले है तो आप लोग ब्लैक भी काफ़ी मतलब डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाएंगे और वाइब्रेंट कलर्स हैं। तो डिस्प्ले मैं कहूँगा इसकी बेस्ट है दोस्तों गेमिंग के लिए भी। और आईफोन यकीन माने दोस्तों आईफोन 15 प्रो मैक्स भी इस लेवल पे नहीं आ सकता, उसमें भी गेम्स जो है इस लेवल पे नहीं चल सकती क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक मोबाइल डिवाइस है। ऐसे इस्तेमाल किया इन्होंने AMD Zen 2 है, 4 Core 8 Threads के साथ आ जाता है, RDNA 2 ग्राफिक्स है और 16GB रैम है दोस्तों इसकी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये इन्होंने स्मूथ बनाई है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।